धियो यो नः प्रचोदयात्। आप है मन प्राण में प्रभु, आप है मन प्राण में प्रभु, आप ही अभियान है, आप है गुरु रूप भगवन, आप ही महान, आप है गुरु रूप भगवन, आप ही महान। मैंने लिखना आरंभ किया तो लिखते समय कभी भी ये नहीं सोचा मन में कि मैं लिखता करूँ। हमेशा अर्पित किया लिखने को गुरुदेव के चरणों में। जो अगली पंक्तियाँ हैं वो बहुत ही सुंदर है। लेखनी जो भी लिखेगी आप ही की योजना, जो भी लिखेगी आप योजना, आपका अभियान होगा, आपकी संयोजना, आपका अभियान होगा, आपकी संयोजना, आप ही है लेखनी प्रभु, आप ही है लेखनी प्रभु, आप ही सब ज्ञान है, आप है गुरु रूप भगवन, आप ही दिन मान, आप है गुरु रूप भगवन, आप ही दिन मान। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज 5 सितंबर 2013 शिक्षक दिवस के दिन शाम को यहाँ विराजमान सभी हमारे अध्यापकगण, हमारे अध्यापिका बहनें, एक बार फिर से सबको शिक्षक दिवस की मंगल कामनाएं। सभी शिक्षकों को, शिक्षिकाओं को, प्राचार्यों, आचार्यों को, HODs को, फैकल्टी हेड्स को, डीन को और सभी हमारे VC साहब को, प्रो VC साहब को, रजिस्टर साहब को, सभी को। बच्चों तुमको भी खूब सारी खूब खूब मंगल कामना। मुझे नहीं दोगे? ठीक है, थैंक यू। मांगने पे मिलता है। तो आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है ध्यान के बारे में। ध्यान, ध्यान क्या है? ध्यान की परिभाषा देखें, ध्यान चित्त की प्रकृति में परिवर्तन लाने वाला वाली एक विलक्षण प्रक्रिया है। चित्त की प्रकृति में परिवर्तन लाने वाली, टोटली ट्रांसफॉर्मेशन, चित्त की प्रकृति को बदलने के। चित्त ही हमारा वो ब्लैक बॉक्स है जो अंदर बैठा बैठा हमारी गड़बड़ करता रहता है। सारे कुसंस्कार वहीं भरे पड़े हैं और चित्त को जिसने धो डाला उसने संस्कार ध्यान द्वारा अपने मन को धो डाला। तो इसलिए ध्यान जो है एक साबुन है। ध्यान अगर साबुन है तो किसको धोता है? चित्त को धोता है। बार 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 एक ही बात मन में आनी चाहिए। जैसे हम कल्पना में जीने लगते हैं, कभी कभी हम कल्पना में जीने लगते हैं कि ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा होता, काश हम यहाँ ना पढ़ रहे होते, कहीं और पढ़ रहे होते, बहुत अच्छा पॉश स्कूल होता, कॉलेज होता, और ऐसा होता, ऐसा होता। ये कैसे फैंटेसी कहते हैं? फैंटेसी, फैंटेसी नहीं है ध्यान, फैंटेसी नहीं है ध्यान। क्या है ध्यान का अर्थ है?
आप किसको, विचारों को, एहसासों को किस तरह से इंद्रियों में धारण कर रहे हैं, आप किस तरह से किसको धारण कर रहे हैं, एहसासों को, विचारों को अपने इंद्रियों में धारण करना ध्यान कहलाता है। बस ये इसकी परिभाषाएं जो अलग अलग तरह की परिभाषा हो रही हैं, इनको समझते जाना। इसीलिए एहसासों को स्थिर करने की प्रक्रिया का नाम है धारणा। एहसासों को, अनुभवों को स्थिर करने की प्रक्रिया है धारणा, और धारणा जिसकी प्रगाढ़ हो जाती है उसका ध्यान हो जाता है। इसीलिए सातवें नंबर पर ध्यान है, तो छठे नंबर पर धारणा, उसके बाद समाधि है। धारणा, ध्यान, समाधि, योग पाद, योग सूत्र के जो अनुशासन के जितने भी चीज़ें हैं उसमें आठ अष्टांग योग में छठा पद जो है वो है धारणा का। धारणा मजबूत होनी चाहिए, धारणा पक्की होनी चाहिए। धारणा यदि पक्की होगी तो हम ध्यान भी लगा पाएंगे। धारणा को मजबूत करना, स्थिर करना। एक किसान के माध्यम से थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ मैं। किसान खेती करता है, खेत में बीजारोपण करता है। किसान की खेती से, किसान के बीजारोपण की करने की प्रक्रिया से थोड़ा सा अंदाज लगाने की कोशिश करना कि हम ध्यान को समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान भी एक प्रकार से बीज लगाने की प्रक्रिया है, बीजों को अपने अंदर आरोपित करने की प्रक्रिया है। ये थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, परंतु धीरे धीरे करके समझ जाएंगे उदाहरणों के माध्यम से। जैसे खेती में निराई करते हैं, गुड़ाई करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जितनी खर पतवार है उसको निकाल के बाहर पकड़ते हैं, फिर जुताई करते हैं। निराई, गुड़ाई, जुताई, जुताई करते समय एक किसान जो है एक पटासा होता है उसके ऊपर खड़ा हो जाता है और वो बेल खींचते चले जाते हैं। ज़मीन को प्लेन करना है, ज़मीन को पलटना है, ज़मीन को बदलना है, ज़मीन को उलट पलट करके किसी तरह से ऐसी स्थिति में लाना है मिट्टी मुलायम हो जाए, मिट्टी मुलायम हो जाए, उसमें कुछ रहे नहीं, फालतू की चीज़ कुछ न रहे। इस मिट्टी को मुलायम बनाने की प्रक्रिया खेती है। ध्यान का माध्यम, ध्यान का मतलब है अपने अंतर जगत की मिट्टी को मुलायम बनाना, अंतर जगत की मिट्टी को मुलायम बनाने का प्रयास करना और उसको तैयार करना, खेती के लिए तैयार करना। ध्यान में बीज बोया जाता है। यह तैयारी यदि पहले नहीं होगी तो खेती नहीं हो पाएगी। अगर किसान ये तैयारी नहीं करेगा, जैसे ही उसकी फसल कटती है, कटने के बाद जैसे ही वो तैयारी करता है खेत की, तो सबसे पहले बीज डाल देता है, पहले क्या करता है, पहले तैयारी करता है। यदि बीज उगा डाल भी दिए तो उगेंगे नहीं, ये तैयारी नहीं है। यदि हमारे चित्त की भूमि की तैयारी नहीं है तो हम उन सारी कल्पनाओं को जो हम धारणा के माध्यम से कर रहे हैं हम भूल जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना आप लोग, यदि हमारी चित्त भूमि पूरी तरह से तैयार नहीं है तो हम भूल जाएंगे। चित्त की भूमि को तैयार करना ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। चित्त की भूमि तैयार करने के लिए चार स्टेप्स हैं। सात्विक जीवन शैली। अब मुझे सात्विक की परिभाषा इतने सीनियर बच्चों को नहीं करना चाहिए, तुम लोग सब इतने हो, तुम लोग यहाँ रहते रहते क्लास अटेंड करते करते समझ गए हो सात्विक जीवन शैली क्या है। जीवन शैली सादी, सीधी सादी हो, सादगी से भरी हो, भोग ना हो उसमें, भोग की आकांक्षा ना हो, सात्विक जीवन शैली। और तीन ईश्वर योग के बताए हुए सूत्र पतंजलि के, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन चारों का रोल है अपनी जगह। जीवन शैली हमें आमूलचूल परिवर्तन के लिए तैयार करती है। हमें हम तैयार हैं कि नहीं, अपने आपको बदलने के लिए तैयार हैं कि नहीं। बदलने के लिए तैयार हैं तो ध्यान हमें बदलने को तैयार है। ध्यान हमारी पूरी की पूरी अंतरंग से लेकर बहिरंग तक की परिस्थिति में बदलने को तैयार है। बीज ऐसा यदि हो सका तो चित्त की प्रकृति ही बदल जाएगी पूरी की पूरी, और धीरे धीरे बदलने लगती है। ध्यान एक गहरी साधना है। बहुत सारी साधनाएं हैं, साधना पद्धतियाँ ढेर सारी हैं। प्राणायाम भी ध्यान है, प्राणायाम भी साधना है, योग भी साधना है, आसन भी साधना है, और भी बहुत सारी चीज़ें, पर ध्यान एक गहरी साधना है। और ध्यान एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से आप बहुत जल्दी परिणाम पा सकते हैं, क्योंकि आपकी चित्त की वृत्तियाँ बदल जाएंगी। चित्त की वृत्तियों को परिष्कृत होते ही सब कुछ। इसलिए पतंजलि ने क्या किया कि पूरे योग सूत्र को एक जगह लाके खड़ा कर दिया, शुरुआत वहीं से की और समापन भी यहीं किया। योग चित्तवृत्ति निरोध, बस
इस एक सूत्र के अंदर सारा का सारा पतंजलि का योग का अनुशासन समाया हुआ है। योग का मतलब चित्त की वृत्तियों का निरोध, बस और कुछ नहीं। सारा पतंजलि योग सूत्र इसी की व्याख्या है, इसी की उपलब्धियाँ हैं, विभूतियाँ हैं, इसी की साधना के विभिन्न प्रकार के आयाम हैं, विभिन्न प्रकार के चरण हैं जो उसमें बताए जाते हैं। चित्त को अगर शरीर को साधना है तो हठयोग का पालन कर सकते हैं। हठयोग में तरह तरह की साधनाएं हैं, आप लोग कल जानते हैं पूरी तरह से। और अगर हृदय को साधना हो तो भक्ति योग की साधना है। परंतु यदि राजयोग शुरू करना है तो राजयोग शुरू करना है तो उसको मन से और चित्त से शुरू करना पड़ेगा। और राजयोग को राजयोग नाम इसलिए रखा गया है कि यह राजा है, योग का राजा, योगों का राजा, समस्त योग साधनाओं का राजा है राजयोग। और यही साधना विवेकानंद करते थे। स्वामी विवेकानंद लगभग 2 घंटे ध्यान करते थे, कुछ नहीं, कोई कर्मकांड नहीं किया, पवित्रीकरणम नहीं, ये करते थे कुछ नहीं, बस मन ही मन में पवित्रता की भावना कर ली, गुरु का ध्यान किया और उसके पश्चात ध्यान में चले जाते थे, गहराई में चले जाते थे। वो 2 घंटे का ध्यान जो है उनको इतना ताज़ा कर देता था ना, अच्छे अच्छे विचारों से भर कर, वो जब 24 घंटे ऊर्जा से भर करके बोलते थे तो वो जो बोलते थे उसका प्रभाव पड़ता था और आज तक पड़ रहा है, अभी तक पड़ रहा है। पूरे योग सूत्र में चित्त में ही सब कुछ समेट दिया पतंजलि ने। चित्त को समेट लें और ध्यान का बीज जो है उसमें डाल दें, चित्त को समेट लें, निराई गुड़ाई कर दें और ध्यान का बीज डाल दें उसमें, ये चित्तवृत्ति निरोध का मतलब है। चित्तवृत्ति निरोध का मतलब है चित्त को समेट लो और उसमें निराई गुड़ाई करो, अच्छी खेती करो और उसके उसमें डाल दो। तुम लोग देव संस्कृति विश्वविद्यालय के बच्चे हो, संस्कृति तुमको मालूम होना चाहिए। कल्चर किसको कहते हैं? संस्कृति को कहते हैं ना। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर में बार बार इन बातों को इसलिए उदाहरण देता हूँ ताकि तुमको याद हो जाए बार बार। कल्चर शब्द से तुम पूरे के पूरे, एक तुमको विषय कहीं बोलना भी पड़े, तुम इंटर्नशिप में जाओ, तुमको लेक्चर भी देना पड़े, तुम कल्चर के माध्यम से पूरा विषय दे सकते हो। संस्कृति क्या है? बस हम उसी संस्कृति के संवाहक संपोषक बनकर आपके बीच में आए हैं और वही संस्कृति आपको सिखाने आए जो हमारे गुरुदेव ने जी, और जिस संस्कृति के, देवी संस्कृति के संवाहक भारत के, हमारे जगत, जो जगत गुरु भारत के हमारे लोग थे, उसी को फिर से स्थापित करने के लिए जिसकी स्थापना हुई है उसका नाम देवी संस्कृति विश्वविद्यालय है। देवी तत्वों की संस्कृति हमें स्थापित करनी है, देव संस्कृति स्थापित करनी है। तो ये संस्कृति अर्थात बीज, किसके? अच्छाई के बीज समाज में डालना। और जब हम यहाँ बीज की बात कर रहे हैं तो ये बीज जो है धारणा बनाने के बाद आप ध्यान में अपने चित्त को मनो बीज बना लेते हैं, खेत बना लेते हैं। 13वां अध्याय बड़ा सुंदर अध्याय है, गीता का 13वां अध्याय, क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञम, क्षेत्र क्षेत्र यानी फील्ड, क्षेत्रज्ञ यानी फील्ड को विजुलाइज करने वाला, वॉच करने वाला किसान। तुम खेत के किसान बन जाओ और अपने खेत को देखो, पूरे अंतर जगत को देखो, पूरे शरीर को, पूरे मन को, पूरे अंतर जगत को, चित्त को, और उसको निरीक्षण करके उसके अंदर बीज बोने की कोशिश करो अच्छाइयों का। ये है पूरा का पूरा सार। 13वां अध्याय कठिन है पर धीरे धीरे समझ में आता चला जाएगा, तो हम उसको लेंगे। बार बार धारणा बनानी पड़ती है, कठिन है यह, क्योंकि चित्त हमारा जो है उच्च परिस्थितियों के लिए, उच्च स्तरीय परिवर्तन के लिए तैयार नहीं है। एक्चुअली हमारा चित्त ही हमारे परिवर्तन में बाधक बनता है। हमारा चित्त नेगेटिविटी की तरफ सह जाता है। ये लोग भाई लोग गाते हैं ना गीत, मन हमेशा पतन की ओर जाता है, गीत में मन हमेशा पतन की ओर जाता है, जल हमेशा नीचे की ओर जाता है, इसी तरह से मन हमेशा पतन की ओर जाता है। आप चुपचाप बैठे हैं शांति से और कहीं चिपके से आके कोई पोर्नोग्राफी की क्लिप लगा दे तो जिसका मन थोड़ा सा भी गड़बड़ करने वाला, चिंतन करने वाला है, वो कहेगा यार रुक जा यार, 2 मिनट देख ले क्या जाता है, और जिसको नहीं देखना तुरंत निकल के बाहर चला जाएगा। जिसको बंद करना होगा वो जरा ज़बरदस्त होगा, बाहुबल से बंद कर देगा। परंतु क्या है, मन हमेशा पतन की ओर जाता है। जल और मन का स्वभाव एक ही है, जल और मन का स्वभाव एक ही, जल यंत्र से ऊपर उठता है और मन मंत्र से ऊपर उठता है। ये शुरू के 2-3 पंक्तियाँ हैं उसकी गीत की। पहले आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, ये गाना है, बहुत बढ़िया भजन है, परंतु उसके पहले की लाइनें बहुत अच्छी हैं जो टच करती हैं हमेशा। बार बार धारणा बनानी पड़ती है, बार बार धारणा बनानी पड़ती है।
ऐसा नहीं कि एक बार धारणा बना ली, अब मेरी धारणा पक के तैयार हो गई है, अब मैं ध्यान कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, नहीं कर सकते, बार बार बनानी पड़ेगी, कठिन है। क्यों? क्योंकि चित्त हमारा उच्च स्तरीय परिवर्तन के लिए तैयार नहीं है। ध्यान का बीज डालना ध्यान को जीने के समान है, ध्यान को हर पल हर क्षण जीना पड़ता है, हर पल हर क्षण ध्यान को श्वास में जीना, ये सबसे कठिन काम है। और ये अगर कर लिया तो जीना आ जाएगा, जीवन जीना आ जाएगा, जीवन जीने की कला आ जाएगी, जिसकी चर्चा आज सवेरे कर रहे थे हम लोग। भोग संस्कारों को तोड़कर तप द्वारा ये कार्य किया जा सकता है। अब कैसे करें इस काम को, ध्यान को जिए कैसे? ध्यान को जीने के लिए तीन चीज़ें हैं, तप, ईश्वर प्राणिधान और स्वाध्याय। तप, ईश्वर प्राणिधान, स्वाध्याय। चित्त में हमारे संस्कार लिपटे हुए हैं और उसी पर कर्म आरूढ़ है, कर्म उसी के ऊपर बैठा हुआ है, चित्त में जो संस्कार हैं उसी के ऊपर बैठा हुआ है। और एक उदाहरण देता हूँ तुमको, बहुत सुंदर उदाहरण है। तुम लोगों ने कभी छत ढलती हुई देखी है? छत ढलती हुई देखी है? छत कैसे बनती है? छत में तीन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, सरिया, ईंट और सीमेंट, ठीक है ना? सरिया ईंट दिखाई पड़ती है, सरिया डाल देते हैं नीचे, उसके ऊपर ईंट दिखाई पड़ती है, फिर सीमेंट डालते हैं ऊपर से, फिर कई मजदूर काम करते हैं मिल मिल के, जोर जोर से आवाज़ होने लगती है और वो भर भर के आती हैं ऊपर, तो तगारियाँ भर भर के ऊपर आती हैं सीमेंट की और डालते जाते हैं डालते जाते हैं। ये क्या छत की ढलाई चल रही है? छत की ढलाई में सरिया दिखाई नहीं पड़ता, पर सरिया ही जान है, सरिया ही जान है। सरिया को यदि भूल जाओगे और कहोगे हम तो हमने छत डाल दी, छत में क्या क्या डाला? मिट्टी डाली, मिट्टी के ऊपर हमने थोड़ी सी ईंट ईंट बिछा दी और उसके ऊपर हमने सीमेंट डाल दी, फिर आपने बहुत कच्ची बनाई है, ये नीचे गिरेगी, जरूर गिरेगी, अगली बरसात में गिर जाएगी, नीत कहो तो अभी हम दो बार हम कूद के दिखा देते हैं, अभी गिर जाएगी नीचे, गिर जाएगी। क्यों? सरिया जान है उसकी। छत ढालते समय सरिया सीमेंट ईंटें, तब छत डलता है और दिखता मात्र सीमेंट है पर सरिया नहीं दिखता, और ये सरिया जो है यही सब कुछ है। सरिया जो है ये संस्कार हैं, हमारे मन में भी अंतर जो अंतर है, सरिया है वो संस्कार हैं। हमारे को अपने चित्त को ढालते समय सरिये को मजबूत करना पड़ता है, सरिया डालना पड़ता है। संस्कार डाले नहीं और धारणा डाल दी, इससे क्या फ़ायदा? सरिया संस्कार है। सीमेंट और ईंट क्या है? तप और योग। सीमेंट तप है तो ईंट जो है वो योग है। तप और योग दोनों का सम्मिश्रण मिल जाए, ईश्वर प्रणिधान और तप का संयोग मिल जाए तो संस्कारों को प्राण मिलता है। सीमेंट और ईंट को तोड़ना, सीमेंट और ईंट को तोड़ना चित्त को परिष्कृत करना है। अब हमें क्या करना है? यदि इस चित्त को ठीक करना है तो हमें संस्कार तक पहुंचना पड़ेगा। संस्कार कहाँ है? सरिये में। तो उसके लिए किसको तोड़ना पड़ेगा? पहले सीमेंट को तोड़ो, फिर ईंट को तोड़ो, फिर सरिये तक पहुँचो। तो चित्त के संस्कारों को तोड़ना है, संस्कारों को अच्छी तरह से मिटाना है तो सबसे पहले सीमेंट और ईंट को तोड़ करके नीचे तक जाना पड़ता है, गहराई तक जाना पड़ता है। ये ऊपर की तरफ जो है ये सीमेंट दिख रहा है, ये ईंटें हैं, ईंटें बिछी हुई हैं और ये नीचे सरिया है। सरिये तक पहुँचना है क्योंकि सरिया संस्कार है। इसको तोड़ो, उसके बाद नीचे तक जाओ। तो ये ट्रायंगुलर एक प्रकार से थ्री प्रॉन्ग्ड प्रोसेस है, तीन तरह की विधाएं हैं, तीन की विधा से चलता है। कभी कभी अचानक भी ऐसा हो जाता है, कभी कभी अचानक भी हो सकता है। कई मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको सुनने के बाद ये मैं सोचना कि मैं समर्थक हूँ। ज्योतिर्विज्ञान, ग्रह विज्ञान, ग्रहों का विज्ञान अपना एक अंत बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान है, पर मैं उसको जब गलत रूप में यूज़ होता है तो उसके साथ समर्थन में नहीं हूँ, पर मैं उसकी तरह से समर्थन में हूँ पूरी तरह से, क्योंकि ग्रहों की रश्मियाँ हमें प्रभावित करती हैं। ये कहाँ से चल गए हम? क्या बात, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है इसमें भी? चलो देखिए कितना बढ़िया स्वागत किया है। ग्रहों की चाल जब बदलती है, इतनी आवाज आती है, मुझे नहीं मालूम था कि इतनी आवाज आती है इसमें। ऊपर टिनशेड ही है ना पूरा। इस पे भी ध्यान लगाया जा सकता है।
चलो थोड़ी मंदी होने में। ग्रहों की जब चाल बदलती है तो ग्रहों की रश्मियाँ हमारे चित्त के संस्कारों को उभार देती हैं। ग्रह दो तरह के भोग लाता है, सुखद भोग लाते हैं, दुखद भोग लाते हैं। कई बार हम कहते हैं ना ग्रह नक्षत्रों को क्या पड़ी है हमारी, हमारे अंदर भी एक्चुअली क्या ग्रहों ग्रह हमारे अंदर नहीं आते, ग्रह हमारे ऊपर निगाह नहीं रखते, ग्रहों की रश्मियाँ हमारे अंदर बैठे हुए ग्रहों की ग्रंथियों पर प्रभाव डालते हैं। ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, ग्रहों की रश्मियाँ ग्रहों की ग्रंथियाँ जो हमारे भीतर हैं, हमें तो सूर्य की ग्रंथि है, चंद्र की ग्रंथि है, बृहस्पति की ग्रंथि है, ये सब ग्रंथियों पे प्रभाव डालते हैं हमारे अंदर, इसलिए हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। और इसके लिए ज्योतिषी, और आज के ज्योतिषी अज्ञानी हैं, वैज्ञानिक नहीं है। वैज्ञानिक ज्योतिषी होगा तो वो ढंग से बात करेगा आपसे, कभी भी अवैज्ञानिक ढंग से बात नहीं करेगा। तो हमारे पास ग्रह नहीं आते कि ग्रह चल के आते हों और हमको आकर के समझाते हों, हमको बताते हो, नहीं ग्रह नहीं आएंगे हमारे पास, इतना उनके पास समय नहीं है और ना वो आपके पास आएंगे। हमारे शरीर में ग्रहों की ग्रंथियां हैं, काल ने स्थान दिया है, वो काल तय करता है कि आपको छत पे खड़ा करें कि नीचे खड़ा करें। कभी आप छत पे खड़े हैं तो आपको नज़दीक से प्रभावित करती हैं, कभी घर में अंदर बैठे हैं तो कम प्रभावित करती हैं रश्मियाँ। पानी है, पानी अभी अभी आया, बाहर खड़े होते तो भीग जाते, अंदर खड़े बैठे हैं तो नहीं भीगे। काल ने तय किया कि इस समय सबको ध्यान के क्लास में होना चाहिए, काल ने तय कर दिया तो अपन लोग यहाँ बैठे हैं। तो सूर्य की रश्मियाँ, धूप, हवा, ठंडक, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब के सब प्रभावित करती हैं हमारे शरीर को, हमारे शरीर की ग्रंथियों को, मन मन को, अंतरंग जगत को। आप कहाँ खड़े हैं इस पर निर्भर करता है। जन्म का क्षण काल के अनुसार मिलता है। एक्चुअली क्या होता है कि समय जो जन्म का क्षण था, 1 hour 1 minute 22 second 23 और घड़ी ये, पल ये, ऐसे करके करीब 6-7 फिगर आते हैं, तब जाके तय होता है कि आपके जन्म का समय क्या था। और तब पता लगेगा आपके समय में, आपके समय में एक साथ कोई व्यक्ति नहीं था, हर पल कोई ना कोई बच्ची जन्म ले रहा है, हर घड़ी कोई ना कोई जन्म ले रहा है। तो हमारे लिए निर्धारित कोई ना कोई एक विधान है, पर उस विधान को बदलने के लिए हमारे पास ताकत है, गुरु, ध्यान और गायत्री। गुरु, ध्यान और गायत्री, इन तीन में ताकत है कि आपके ग्रह विपरीत भी हैं तो भी आप उनको बदल सकते हैं, क्योंकि आपके पास उनकी ग्रंथियां हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि ग्रह मेरे विपरीत चल रहे हैं, ग्रहों की दृष्टि स्थिति विपरीत चल रही है। कल मैं टीवी देख रहा था तो हम न जाने कौन कौन लोग टीवी पर आजकल आ जाते हैं बोलने के लिए। तो एक स्वामी जी के ऊपर रिसर्च चल रही है, तो जेल में क्यों गए वो, तुमको मालूम है कौन क्यों गए? तो एक ने कहा कि उनके ग्रहों के ग्रह विपरीत चल रहे हैं, और ग्रह विपरीत चल रहे हैं तो उनके ग्रह की परिस्थितियों के लिए ग्रह शुद्धि यज्ञ किया जा रहा है, उनके आश्रमों में सब जगह यज्ञ हो रहा है। तो जहाँ जहाँ आश्रमों में यज्ञ हो रहा है उन आश्रमों पर कब्जा होता चला जा रहा है। तो इसका मतलब कहीं या तो यज्ञ में कोई गलती है या फिर ग्रह जो है वो वास्तव में बहुत नाराज है। ग्रह से कोई मतलब नहीं है, जिसने जो जस करी सो तस फल चाखा, जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है, इसलिए मान के चलना चाहिए। कहीं भी नहीं लिखा कि ग्रहों को प्रसन्न कर लेने से आप के ऊपर की प्रसन्नता की वर्षा हो जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। आप जहाँ खड़े हैं, आप कहाँ खड़े हैं, जन्म का क्षण क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है ज्योतिर्विज्ञान में। तो ज्योतिर्विज्ञान तय करता है कि आपके ऊपर किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। प्रकृति की शक्तियाँ मनुष्य की शक्तियों से ज़्यादा बलवान है, हमको अंदाज नहीं है। प्रकृति की शक्ति मनुष्य की शक्ति से कितनी ज़्यादा बलवान है तुमने देख नहीं लिया? यही पानी जो गिर रहा है अभी, इतनी तेज़ी से इंटेंसिटी के साथ गिरा, और वो नदी जो आज तक कभी उस वेग से नहीं आई थी मंदाकिनी, कितने वेग से आई कि मैं स्वयं उस नदी के पास से गुजरा हूँ, मैंने देखा है, कभी इस वेग से उसको लोगों ने नहीं देखा, कभी उस लेवल को ऊँचा आते नहीं देखा। वो उससे भी करीब करीब 5 गुना 6 गुना 10 गुना वेग से ऊपर होती हुई बरसती निकलती चली गई और उस घाटी को पूरा बर्बाद करती हुई चली गई। लोगों ने कहा हमारे नदी नाम की चीज़ नहीं थी, ये इस मंदाकिनी में बाढ़ आई, उसके बाद न जाने कितनी नदियाँ अलग अलग पैदा हो गई, धाराएँ चली गई, और वो धाराएँ अभी भी पोषित हो रही हैं हिमालय से। कहाँ से हो गया? काल का विधान, विधि का विधान। विधि प्रकृति चाहे तो कुछ भी कर सकती है, प्रकृति जबरदस्त है, प्रकृति जबरदस्त है।
तो प्रकृति से की शक्तियों से मनुष्य को डरना चाहिए, प्रकृति की शक्तियों से डरना चाहिए, प्रकृति की शक्तियों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, न भ्रष्टाचार रुका, न देवी विभीषिकाएं रुकी, न विभिन्न प्रकार की चीज़ें रुकी, जो कुछ होना था सब होता रहा पूरा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्राएं बंद हो गईं, पर कहीं भी किसी को ये इतने सारे बलात्कार हो रहे हैं, इतने सारे अपराध नियमित रूप से हो रहे हैं, ये सब हो रहा है, इसके बावजूद भी कि प्रकृति का दंड दिखाई पड़ रहा है, तब भी नहीं रुक रहा है, आखिर क्या कारण है? आदमी प्रकृति को अपने से, प्रकृति पर नियंत्रण अपना मानता है, इसलिए डैम बनाता है, डैम बना करके उनके ऊपर नियंत्रण करना चाहता है, जल से विद्युत पैदा करना चाहता है, विद्युत से एसी चलाना चाहता है और भोग विलास करना चाहता है। वहाँ हम प्रकृति पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे, जब जब प्रकृति पर नियंत्रण करने की कोशिश की जाएगी प्रकृति उनसे बलवान निकलेगी, इसलिए प्रकृति को अपना काम करने दें। प्रभाव, अंतरिक्ष से जो प्रभाव आते हैं, कभी ग्रंथियाँ हमारी प्रकाशित होती हैं, कभी अंधकार में रहती हैं, और जो अंधकार में रहती हैं वही हमारे लिए नेगेटिव बन जाती हैं। कई बार उन अंधकार में रहने वाली ग्रंथियों की वजह से हमारे कुसंस्कार उदित हो जाते हैं, पुराने जन्मों के न जाने कब के कुसंस्कार उदित हो जाते हैं। तो अगर संस्कार हमारा मजबूत है, प्रबल है, अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो उसे लड़ेंगे, उसको कूटेंगे, पीटेंगे, कैसे? शरीर को काटना है ना, शरीर तक पहुंचना है, उसको मिटाएंगे। संस्कार में परिवर्तन जीवन के संबंधों की दिशा मोड़ देता है, एकाएक भारी भारी मोड़ आता है दिशा में, जीवन की दिशा में। कई बार देखा होगा कि जीवन की दिशा में न जाने कैसे एकदम अचानक बदलाव आ गया। मैं अपने जीवन को देखता हूँ बच्चों, मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था तब मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये जीवन जीने की बात, कि मैं इस जीवन को जीऊँगा। मैं जब पढ़ता था तब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अमेरिका जैसे सुखद स्थितियों में जाने की बात सोच रहा हूँ, और देखते देखते ऐसा समय आएगा जब मैं धोती कुर्ता पहने गुरुदेव के चरणों में बैठा होऊंगा। मैं गुरुदेव के पास आके बैठता था, और चूंकि शांति को जाता था इसलिए धोती कुर्ता पहन के गुरुदेव के चरणों में बैठ जाता था। बाहर निकलते ही अपना पैंट शर्ट पहना और अपने गए, और जाके अपनी वो जीवन शैली जो थी, वो एक चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थी की जो होती है, एक सुख पाने की इच्छा, और मेरे मन में था विदेश जाने की इच्छा, मेरे मन में था विदेश जाकर कमाने की इच्छा, न जाने कैसे वो पूरा मोड़ दे दिया, एक यू टर्न कर देती है कई बार प्रकृति। गुरुदेव ने पूरा प्रकृति को, एक मेरे जीवन को पूरा एक यू टर्न दे दिया। और मैं इसीलिए आज शिक्षक दिवस के दिन गुरुदेव को याद करते हुए कहता हूँ, गुरुदेव अगर आप न होते तो मैं शायद न जाने कौन सा जीवन जी रहा होता, वही जीवन जी रहा होता जो अन्य आदमी सांसारिक लोग जो जीवन जीते हैं वो जीवन जी रहा होता। योगी तप करता है, विचार पालता है, विचारों से विचारों की काट करता है और दिशा देता है उनको, और फिर परमेश्वर से भक्ति के माध्यम से जुड़ता है। तीन चीज़ें बार 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 मैं जो आऊँगा घूम फिर के तीन चीज़ों में आऊँगा। किन में आऊँगा? तप, ईश्वर प्रणिधान और स्वाध्याय। विचारों के द्वारा विचारों को मजबूत देना, मजबूती संस्कार देना, संस्कारों को मजबूती देना। सीमेंट तोड़ दिया, ईंट तोड़ दी, सरिया तोड़ दिया, अब आपको अगर मजबूती देनी है वहाँ पर, तो वहाँ क्या देनी है आपको? विचारों की, श्रेष्ठ विचारों की मजबूती देनी है सद स्वाध्याय के द्वारा, ईश्वर प्रणिधान द्वारा उसको सींचना है, सिंचाई करनी है उसकी, और योग के माध्यम से, तप के माध्यम से आपको भोग को तोड़ना है, भोग को तोड़ना है। तो ये ध्यान जो है ये एक प्रकार से मन को बदलने की, मन का आमूलचूल परिवर्तन करने की प्रक्रिया है, मन को आमूलचूल बदल देने की प्रक्रिया है। इसलिए ध्यान बहुत बड़ी चीज़ है, ध्यान को ऐसे छोटा मोटा मत समझना। मैं जो आज जो लेक्चर ले रहा हूँ ध्यान का, ये शायद मेरे ख्याल से जितने अभी तक लिए हुए लेक्चर हैं मैं सबसे गंभीरतम है। समझ में नहीं आएगा तो एक बार फिर से ले लूँगा, सब समझाने की कोशिश करूँगा। ध्यान हमें संसार से नहीं जोड़ता, हमें सीधा ईश्वर से जोड़ता है। ध्यान हमें संसार से नहीं जोड़ता, सीधा ईश्वर से जोड़ता। इसलिए ध्यान में कल्पनाएँ, फैंटेसीज, धारणाएँ हमेशा ईश्वर की जाती हैं, ईश्वरीय स्तर की जाती हैं। ध्यान की जुताई है ईश्वर प्रणिधान, स्वाध्याय, तप। ध्यान में मनस्थिति की, अंतर जगत की जुताई की जाती है तीन चीज़ों के द्वारा, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये जो पतंजलि का योग सूत्र है बड़ा महत्वपूर्ण है। नहीं होगा तो मन भागेगा इधर उधर, अगर नहीं जुतेगा तो मन भागेगा इधर उधर।
मास्टर महाशय रामकृष्ण मिशन में रामकृष्ण महोदय के पास निरंतर जाते रहते थे। महर्षि रामकृष्ण परमहंस के पास नियमित रूप से जाते रहते थे और बराबर भाग भाग के उनके तरफ मन उनका आता था, बार बार इधर आता था। न जाने कितने बच्चे उनके पास आते थे पढ़ने के लिए, ट्यूशन पढ़ने के लिए आते थे, तो उनको ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते धीरे से बीज डाल देते थे उनके अंदर भक्ति का, और कहते थे ज़्यादा सीखना है ना तो मुझे नहीं आता, मैं तो उनका छोटा सा एक अंग हूँ, एक अंश हूँ, 1% भी नहीं, 0.1%। रामकृष्ण परमहंस के पास जाओ दक्षिणेश्वर में, उनको उनसे सीखो, शशीन महाराज, राखाल महाराज, ये सारे के सारे जितने भी हैं ये भाग भाग के जाते थे और सीखते थे रामकृष्ण परमहंस के पास। तो उनको उनका नाम रख दिया लड़का भगाने वाला मास्टर, लड़का भगाने वाला मास्टर। टीचर्स डे के दिन उसकी तारीफ करना चाहिए कि ऐसा मास्टर जिसने कि युग देवी विधान के अनुरूप एक मिशन खड़ा कर दिया और वो मिशन आज तक चला आ रहा है और बड़ी महत्वपूर्ण स्थापनाओं के साथ चलता चला जा रहा है। 150वां वर्ष आ गया विवेकानंद के जन्म का, चलता चला जा रहा है, मैच्योरिटी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। तारीफ करता हूँ उस मिशन की, रामकृष्ण मिशन की, देवी संघ की। राखाल महाराज के माता पिता ने सोचा कि ये तो बार बार भागता है वहीं पर, तो स्कूल बदल दिया। कम से कम स्कूल बदल जाएगा तो मास्टर बदल जाएगा, मास्टर बदल गया तो भी क्या हुआ, वो बार बार भाग के फिर मास्टर महाशय के पास जाता था, कहता था कब ले चलोगे, तो रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे ये अफीम पिला देता है सबको, अफीम पीने वाला मोर जो है बार बार उसी बगीचे में भाग भाग के आता है। मोरों को अपने बगीचे में बुलाने के लिए, मोरों को आमंत्रित करने के लिए बगीचे का माली अफीम, थोड़ी सी अफीम खिला देता है, बार बार मोर लौट लौट क्यों आते हैं, लोग मोर आते हैं तो मोर की वजह से एक खुशहाली छा जाती है, आनंद छा जाता है, रूप सुंदर छा जाता है। तो ये जो अफीम है ये अफीम भगवत भक्ति की अफीम है, ये भगवत भक्ति की अफीम अगर किसी को लग जाए तो फिर मन फिर भागेगा नहीं इधर उधर। एक और कहानी सुनाते थे रामकृष्ण परमहंस, ऊंट को किसी ने अफीम का नशा करा दिया, बार बार उस व्यक्ति को ढूंढता जो उसको अफीम पिलाता था, बार बार ढूंढता और बार बार उसको झंझोड़ता था, तो फिर वो अफीम फिर थोड़ी सी मुंह में रख देता था, फिर छोड़ के चला जाता था, फिर जब उसको जब से असर खत्म होता फिर उसके पीछे दौड़ता था, कहाँ गया कहाँ गया, ढूंढता था उसको। तो लगभग लगभग ईश्वर भक्ति इसी तरह से होती है, ईश्वर भक्ति का नशा एक बार लग गया, भगवत भक्ति का नशा लग गया फिर छोड़ता नहीं है, छोड़ता नहीं। अगर छोड़ दिया तो ईश्वर भक्ति किस बात की, वो तो फालतू का दिखावा था, वो तो छोड़ दिया तो दिखावा था। ध्यान का नशा भी ऐसा ही है, यदि हमने एक व्यवस्था दे दी है और उपयुक्त धारणाएं देना आरंभ कर दिया है तो हमारी आदत भी अफीमची जैसी हो जाएगी, अफीमची ऊंट जैसी हो जाएगी, अफीमची मोर जैसी हो जाएगी, अफीमची मास्टर महाशय के उन शिष्यों जैसी हो जाएगी जो बाद में रामकृष्ण मिशन के पिलर बने। हम यदि ध्यान की दिशा, ध्यान को उपयुक्त धारणाएं दे सके तो फिर ध्यान के बिना मन ही नहीं लगेगा, ध्यान में बैठ जाएंगे मन लगेगा, उसके बाद पढ़ने बैठेंगे तो सब कुछ याद हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं लगता मन नहीं लगता, ऐसे नहीं लगता। ध्यान एक ऐसी प्रोसेस है जो मन लगाने की एक ऐसी विधि को जन्म देता है जहाँ पर कि आपको सब कुछ अनुकूलन होने लगता है, एडेप्टेशन होने लगता है। ध्यान एक नए संसार में प्रवेश देता है, ध्यान आपको एक नई जगत में प्रवेश देता है और द्वार खोलता है नए जगत का। संसार केवल शहरों और देशों का नाम नहीं है। हम क्या समझते हैं संसार क्या है कि ये, अब संसार कई तरह के होते हैं, एक काम वाली, काम करने वाली नौकरानी जो होती है घर में, उसका संसार क्या है, वो काम करने वाली बाई और उसका जो मालकिन है वो उसकी नौकरानी, उसका बेटा उसको संभालती रहती है, बीच में घर जाती है, अगर घर होता है तो घर जाती, नहीं होता तो वहीं रहती है, वहीं खाना खा के सो जाती है। उसका संसार क्या है, उसके मालिक का घर। एक दूसरा व्यक्ति है जो घर भी जाता है, अपने बच्चों को भी पालता पोसता है, उसका संसार क्या है, उसके मालिक का घर, उसका अपना घर, उसकी पत्नी, उसके बच्चे। एक दूसरा है जो थोड़ा सा ऊँचे स्तर का है, थोड़ा अधिकारी है, टूर करता है, तो उसका संसार क्या है, भारतवर्ष के विभिन्न शहर, उन शहरों में ट्रैवल करता है, वो उसका संसार वो है। एक ऐसा है जो विदेश में भी ट्रैवल करता है, सारे विश्व में घूमता रहता है, उसका संसार विश्व है। और एक ऐसा है जो बैठे बैठे ही धारणाओं के माध्यम से सारे विश्व में घूमता है और विश्व को नई दिशा देता है, ऐसा संत फकीर
जो है उसका संसार बड़ा विराट है, बहुत विराट है, उस संसार में हमको जाना है। ध्यान उस संसार की रूपी भव्य वितान का विहान का दरवाजा है, वहाँ का दरवाजा है। ध्यान उस जगत में ले जाता है जहाँ अनंत असीम यात्रा करने के लिए हमारे पास अनेकों न जाने कितने प्रकार की और इतनी मधुर, इतनी मीठी यात्रा है, इतनी सुहानी यात्राएं हैं, इतनी सुंदरता से भरी हुई यात्राएं कि आपको आनंद आ जाए। उन यात्राओं में चलिए तो सही, चलने की कोशिश तो करिए। संसार अनुभूतियों में रहता है, प्रकृति के गुणों चित्त की वृत्तियों से संसार की अनुभूति होती है। अध्याय 13 से अध्याय 17 श्रीमद् भगवद गीता, इसमें अध्याय 13 और अध्याय 17 यदि लेंगे तो अध्याय 13 में भगवान ने जो ज्ञान कराया है वो प्रकृति परमात्मा दोनों का परस्पर समन्वय, अध्याय 14 में गुणों की जानकारी दी है, अध्याय 15 में परमात्मा की जानकारी दी है, अध्याय 16 में हमारे विभिन्न प्रकार से जो हमारी देवी आसुरी प्रकृति क्या होती है, प्रकृति का हमारी प्रकृति कैसी होती है, और 17वें में वो उस व्याख्या को डिटेल में करते हैं, तब जाके 18वें में फिर पीक पे चले जाते हैं और मोक्ष संन्यास योग स्थापित हो जाता है। गीता का ज्ञान योग 13वें से आरंभ होता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये 6 चैप्टर जो हैं गीता का ज्ञान योग है। और गीता का ज्ञान योग बताता है कि 13 से 17 तक क्रमशः यही व्याख्या धीरे धीरे आएगी, प्रकृति क्या है, परमेश्वर क्या है, और जैसे जैसे प्रगाढ़ता बढ़ती चली जाएगी, श्रद्धा मयो एवं पुरुषो यो छद्र से, जैसे श्रद्धा बढ़ती जाएगी वैसे व्यक्तित्व बनता चला जाएगा, व्यक्तित्व बनता जाएगा। व्यक्तित्व को गढ़ने की किताब है गीता, गीता हमें सिखाती है व्यक्तित्व को कैसे गढ़ना, व्यक्तित्व को कैसे बनाना, व्यक्तित्व को कैसे विकसित करना। इसलिए ध्यान जो है एक प्रकार से गीता पढ़ना भी एक प्रकार से ध्यान करने के समान है, ध्यान को के लिए मनोभूमि बनाने के समान। हमें जीवन शैली, खान पान, दोस्तों से, अंतरिक्ष से और आसपास के संसार से, परिस्थितियों से हम निरंतर संस्कार खींचते रहते हैं, निरंतर। जीवन शैली, खान पान, दोस्त, मिलने जुलने वाले, आसपास रहने वाले रिश्तेदार हमारे, और हमारे अंतरिक्ष, हमारे चार आसपास का जो हमारा स्फीयर है, हमारा अपना खुद का स्फीयर है इतना बड़ा, इससे बड़ा है स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, विचार मंडल, प्रभा मंडल, बहुत बड़े बड़े मंडल हैं जो हमारे आसपास हैं। इन सब से हम कुछ ना कुछ खींचते रहते हैं, और राजसिक भी खींचते हैं, तामसिक भी खींचते हैं, और हमारा व्यक्तित्व उसी तरह से बनता जाता है, हमारा व्यक्तित्व उसी हिसाब से बनता जाता है। जो व्यक्ति अपनी धारणा को सात्विक बना लेगा, जो व्यक्ति अपने चिंतन में सत्वगुण को स्थापित कर लेगा, उसके अंदर विचार भी वैसे ही आएंगे, श्रेष्ठ श्रेष्ठ चिंतन आने लगेगा धीरे धीरे, और धारणा मजबूत होती जाएगी, राजसिक से सात्विक की ओर जाती जाएगी। इंटरनेट का नशा है आज, फेसबुक का नशा है, ट्विटर का नशा है, आउटपुट कुछ नहीं है पर जैसे हम 5-6 घंटे वेस्ट कर देते हैं। सपने देखने के समान इंटरनेट, फेसबुक, दोस्ती कर रहे हैं, किससे दोस्ती कर रहे हो, जिससे दोस्ती कर रहे हो उसको जानते भी नहीं हो, सकता है वो बहुत बड़ा अपराधी हो और आपको किसी अपराध में धकेल रहा हो, आपके डिटेल्स पूरी जान करके और आपको परेशान करना चाहता हो, आपको ब्लैकमेल करना चाहता हो, आपका समय नष्ट कर रहा है, वही अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है उसके लिए। परंतु हमें खींचता है इंटरनेट, हमें खींचता है फेसबुक, हमें खींचती है ट्विटर, हमें खींचता है। ध्यान द्वारा व्यक्तियों को, व्यक्तित्व को और वृत्तियों को शुद्ध करने की प्रोसेस हम डेवलप करते हैं। ध्यान द्वारा वृत्तियों को, व्यक्तियों को और व्यक्तित्वों को शुद्ध करने की प्रोसेस डेवलप करते हैं। ध्यान की अनुभूतियाँ आपके अंदर एक नए संसार का उदय करती हैं, ध्यान की वृत्तियाँ आपके अंदर एक नया संसार बनाती हैं, नया संसार को जन्म देती हैं। जैसे जैसे ध्यान करना चालू करोगे, विकसित करोगे धीरे धीरे, आपके अंदर एक नया संसार, नई दुनिया जन्म लेने लगेगी। ये पहली झलक, पहली बार मनुष्य को, अब मेरा असली विषय चालू होता है जो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, पहली बार झलक जो मिलती है आदमी को, मनुष्य को स्वप्न में मिलती है, मेरे अंतर जगत में क्या है। मनुष्य के स्वप्न झरोखे हैं, उस झरोखों के माध्यम से मनुष्य को अंतर जगत की जानकारी मिलती है। गुरुदेव ने किताब लिखी थी, सपने झूठे भी सपने सच्चे भी, स्वप्नों के झरोखे से परोक्ष की झांकी, दो किताबें लिखी थी। मुझसे फिर कहा बाद में, तो उन दो को मिला के मैंने एक किया, साइंटिफिक प्रोपिगेशन और ज़्यादा जोड़े, फिर एक नई किताब बनाई मैंने, वो 85 में जाके प्रकाशित हुई थी, स्वप्नों के ऊपर। स्वप्न का मनोविज्ञान बड़ा गहरा है, स्वप्न हमें सही अर्थों में
आहट देते हैं अच्छा या बुरा होने की, हमारे साथ क्या होने वाला है, अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। अगर बुरा होने वाला है तो हमें आभास कराते हैं सब सावधान हो जाओ, जीवन शैली बदल लो, और अच्छा होने वाला है तो उस दिशा में जाने की दिशा देते हैं। यदि हम सपनों को समझना सीख लें, सपनों को आकार देना सीख लें, सपनों को पढ़ना सीख लें, मनस्थिति परिस्थिति को और चित्त के संस्कारों को सतत बाहर के वाइब्रेशंस आक्रांत करते रहते हैं, परंतु क्या होता है कि ध्यान जो है वो हमें सपनों को आमंत्रित करने की कला सिखाता रहता है निरंतर। जो आज का ध्यान है वो सपनों को आमंत्रित करने की कला का ध्यान है, सपनों को आमंत्रित करने की कला का ध्यान। ध्यान एक प्रकार से बखर चलाना, बखर जानते हो क्या होता है? बखर कोई खेती से जुड़ा हुआ है, बखर जानता है क्या होता है? खड़े को बताओ, हाँ नहीं, पैर सो गए, पैर सो गए बेटे, आराम से खड़े हो जाओ आराम से। हाँ हाँ, खेत में जुताई करते हैं, बैलों से चलता है और क्या करता है, जमीन को पलटता है। जमीन पलटना क्यों जरूरी है? बैठ जाओ बेटे, जमीन पलटना इसलिए, और थोड़ा सा पैरों को एक बार थोड़ा ढंग से फिर वज्रासन से हटा लो, आराम से बैठ, सुखासन बैठ जाओ, फिर थोड़ा सा पैरों को स्ट्रेच करो थोड़ा सा, और फिर बैठ जाओ, फिर बैठ जाओ वज्रासन में थोड़ी देर बाद, दो मिनट बाद, है ना। ये जो बखर है, बखर में जमीन को पलटता है वो। जमीन को पलटना क्यों जरूरी है? किसान मिट्टी पलटता रहता है, कंटिन्यूस पलटता रहता है, क्योंकि उसको धूप दिखानी है। अगर धूप नहीं दिखाई और धूप दिखाएगी, धूप नहीं दिखाएंगे तो मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी, मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी तो अंततः वो ध्यान नहीं लगेगा, वो खेत नहीं उगेगा। तपस्वी भी निरंतर तपता रहता है, तपस्वी भी एक बखर चलाता है अपने अंदर, अपने अंतर जगत में निरंतर 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 कंटिन्यूस। अरे कोई बड़े कोई विचार तो नहीं आ गए, कोई गंदे विचार तो नहीं आ गए, हमें भी तपना चाहिए, हमें भी तपने की प्रोसेस। तपने का मतलब बाहर तपना नहीं, धूप में खड़े हो गए तप रहे हैं, भाई साहब क्या हो, कल डॉक्टर साहब ने ध्यान में कहा था तपना चाहिए, तो हम धूप में खड़े हैं, थोड़ा और तप जाएँ, थोड़ा और गर्म हो जाएँ, फिर पलट जाएंगे। उन्होंने कहा था मिट्टी को पलटना चाहिए, तो अब थोड़ा इधर से तप लिए तो इधर से तप लेंगे, लू लग जाएगी, कोई बीमारी हो जाएगी, कोई हो, अभी तो बहुत गर्म धूप आने वाली है, कुंवार की गर्मी जो होती ना, गुरुदेव कहते थे उसमें हिरण भी काले हो जाते हैं, कुंवार की गर्मी में हिरण भी काले हो जाते हैं, सफ़ेद अच्छा बढ़िया सुंदर हिरण काला हो जाता है। बड़ा मज़ेदार ढंग से गाँव की चीज़ों को गुरुदेव बताते थे। तो कुंवार यानी कौन सा महीना? ये जो आने वाला है अश्विन मास आने वाला है अभी थोड़े दिनों बाद, इसके बाद भादों के बाद जो आता है वो कुंवार है। तो ये जो सावन श्रावण और भादों में जो मिट्टी गली है, मिट्टी गीली हुई है, मिट्टी में बीज डालने की प्रोसेस जो की है, उसमें उल्टे पलटा करने की, उसको तपाने के लिए, उसके लिए किसान को बार बार बखर चलाना पड़ता है। हम भी बार बार अपने आप को तपाने की कोशिश करें। आज हम लोग बात करते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य, है ना, चार ये वर्ण हुए ना। आज गुरुदेव कहते हैं कोई नहीं बचा, न ब्राह्मण बचे, न क्षत्रिय बचा, न शूद्र बचा, एक बचा बस, कौन सा रह गया, कौन सा रह गया? बनिया, वैश्य रह गया। हर आदमी बनिया बन गया आजकल, जिसको देखो पैसे की बात करता है, जिसको देखो पैसे की बात करता है, जो हमेशा पैसे की बात करे, सोते जागते निरंतर कंटिन्यूस, कितने पैसे का, कितने पैसे का, कितने पैसे का, वो कौन है बताओ? वैश्य हुआ कि नहीं? जो पैसे की लैंग्वेज पे बात ना करे, जो ब्राह्मणत्व की बात करे, शुभ कर्मों की बात करे, शुभ आचरण की बात करे, वो ब्राह्मण। जो ज्ञान विज्ञान की बात करे, वो ब्राह्मण। और जो दूसरों की सेवा में विश्वास करता हो, वो शूद्र। और जो दूसरों को रक्षा, दूसरों की रक्षा करना जानता हो, रक्षा करने के लिए अपना सब कुछ दिखाने को तैयार हो, अपने अंदर अंतरंग की जगत की शक्तियों को उल्लास के माध्यम से व्यक्त करता हो कलाओं के द्वारा, वो क्षत्रिय। पर ये तो गायब हो गए समाज में से, कौन रह गया, बचा रह गया? वैश्य बचा रह गया। और वैश्य जो बचा है तो क्या रहेगा? अल्टीमेटली अनीति बढ़ेगी समाज में, क्योंकि क्षत्रिय रहे नहीं, ठाकुर लोग रहे ही नहीं, जो ठाकुर हैं नाम के ठाकुर हैं, बाकी सब के सब जो हैं वैश्य हैं। गुरुदेव कहते थे जुझारूपन योग की नींव है, जुझारूपन योग की नींव है। अगर जुझारूपन नहीं होगा, अपने आप से लड़ने की प्रवृत्ति नहीं होगी, क्षत्रियपन नहीं आएगा, क्षत्रियत्व अपने प्रति, अपने आप के प्रति नहीं होगा, तो आप कैसे समझोगे, कैसे आप जानोगे वास्तव में सही में कि आपके अंतर जगत की दुर्बलताएं नष्ट हो रही हैं। अंतर जगत में दुर्बलताएं जो बैठी हैं उनका नाश करना असली क्षत्रियत्व है।
दूसरों पर विजय प्राप्त करना नहीं, अपने ऊपर विजय प्राप्त करना। धारणा अपनी चित्त भूमि को हरा भरा बनाती है, परिमार्जित करती है। जैसे ज्येष्ठ माह के दोपहर में मिट्टी में कड़ापन होता है, और वही कड़ापन पानी की बूंदें अभी जैसे गिरी, तेजी से गिरी, फट 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 फट, बड़ी जोर से आवाज़ हुई, मैं तक चेत गया क्योंकि मैंने कभी सुनी नहीं आवाज़। मेरे यहाँ ऊपर पक्की छत है ना, तो इसलिए ये आवाज़ ने मैंने नहीं सुनी ये, और इस हॉल में मैंने पहली बार सुनी है। इसलिए ये जो वर्षा की बूंदें हैं उस कड़ी धूप में तपने वाली भूमि को गीला कर देती हैं। गीला करने के बाद जब बीज पड़ जाता है तो बीज को अंकुरित कर देती हैं। बीज अंकुरित जब हो जाता है तो उस बीज के की जो का जो का जो मिट्टी जो पलटने के बाद जो संस्कार बनता है वो ये बनता है कि वो उसको हरी भरी फसल के रूप में आप 3 महीने बाद देखते हैं। इतनी मेहनत चाहिए कि खेती की जिस प्रकार से प्रोसेस होती है उतनी ही मेहनत से ये आदमी अपने अंतर जगत में अच्छे बीजों की फसल उगाता है। तभी हमें खेतों में हरियाली दिखाई पड़ती है, तभी हमें अंतर जगत में हरियाली दिखाई पड़ती है। और जब अंतर जगत में हरियाली होती है तो हमेशा प्रसन्नता ही प्रसन्नता रहती है, कभी निराशा नहीं होती, कभी दुख नहीं होता, कभी परेशानी, ढेर सारे आक्रमण होते रहते, रोज होते रहते। देखो बाहर तो उतार चढ़ाव होते रहेंगे, लोग सताते रहेंगे, लोग परेशान करते रहेंगे, लोग कई लोगों को दूसरों को परेशान किए बिना बिना आनंद नहीं आता, खुशी नहीं होती उनको। भगवान तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने शुरू के गीत रामचरितमानस के शुरू के चौपाइयों में यही लिखा है, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, उन खल लोगों को, दुष्टों को सबसे पहले प्रणाम करता हूँ जो दूसरों को हैरान किए बिना, दूसरों को बेचैन किए बिना, जिनको चैन नहीं आता, नींद नहीं आती, खाना नहीं पचता जिनका, वो पूरा बहुत बढ़िया वर्णन है जो उन्होंने लिखा है शुरू शुरू में, पढ़ेंगे तो आनंद आ जाएगा। वास्तव में दुनिया में सब तरह के लोग हैं, और आपके पीछे क्यों पड़े हैं ये आपको नहीं मालूम, पर है, कहीं ना कहीं है। ज्योतिर्विज्ञान का और अंतर जगत का विज्ञान, विज्ञान बहिरंग जगत का ज्ञान विज्ञान कहीं ऐसा है कि आपको परेशान करने के लिए। तो क्या हमेशा उदास रहें, दुखी रहें, नीचे मुँह करके बैठ जाएंगे? हम तो कुछ भी करेंगे वो परेशान करेंगे ही, 10 लोगों में 3-4 तो ऐसे होंगे जो हमें परेशान करने के लिए बैठे हैं, क्यों उनके बारे में क्यों सोचना? हमेशा अंतर जगत में हरियाली हो, अंतर जगत में हरियाली हो। जुताई तपस्या है, जुताई तपस्या है, जुताई करना, अंतर जगत की जुताई करना तपस्या है। बीजों की रखवाली करना और बीजों को पोषित करना स्वाध्याय है। बीजों की रखवाली करना और बीजों को पोषण करना स्वाध्याय है। और मन बार बार भटके इधर उधर तो उसको बार बार खींच के लाना ईश्वर प्रणिधान। यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम ततः ततः नियम्य तदात्मन्य वशम नियम। 6 अध्याय का 26वां श्लोक 6/26 बहुत बढ़िया श्लोक है, इतना सुंदर है। जब जब तेरा मन भटके अर्जुन, इधर से उधर जाए, इधर से उधर जाए, तब तू मेरी तरफ ले आ। तुम लोगों को भी मैं कहता हूँ, तुम्हारा मन कभी भटके, इधर से उधर जाए, उधर से इधर आए, इधर से उधर जाए, बार बार भटके, तो बार बार ईश्वर के चरणों में ले आओ, ईश्वर की मूर्ति ले आओ, ईश्वर की आकृति अपने मन में ले आओ। ईश्वर नहीं समझ में आते तो गुरु को ले आओ, गुरु नहीं समझ में आते रोल मॉडल समझ में आते हैं उनको समझ में उनको ले आओ, और उनके अंदर उनके अंतर जगत में प्रवेश कर जाओ, और वहाँ जाके अपने विचारों को डाल दो और कहो कहीं इधर उधर मत जाने देना, इधर उधर मत जाना। बार बार मन भटकता है, चंचल हो जाता है, चित्त हो जाता है। तो ये ईश्वर प्रणिधान जो है ये हमारे स्वप्नों को सही अर्थों में मजबूती देते हैं, स्वप्नों को मजबूती देते हैं। स्वप्न हमारे अचेतन मन की परिभाषा कर देते हैं, स्वप्न हमारे अचेतन मन के को परिभाषित करते हैं सही अर्थों में। व्यवहार आपका नकली हो सकता है, एजेंट, रिसेप्शनिस्ट, प्रेस से डील करने वाले, और ये जो जितने भी व्यक्ति आपको दिखाई पड़ते हैं ना, हमारी एयर होस्टेस वगैरह जो होती हैं, ये सब क्या है? व्यवहार नकली हो सकता है, पर ये मुखौटा है, ये बहिरंग का है। स्वप्न जो है वो कभी नहीं बदलते, स्वप्न जो है वो अंतर जगत में आते हैं और वो किसी में नहीं बदलते, वो दिखावा नहीं है, बाहर दिखने के लिए आते हैं। स्वप्न को बदलने वाला चित्त का स्वामी बन जाता है, जो स्वप्न को मॉडिफाई कर सके, स्वप्न को ट्रांसफॉर्म कर सके, चित्त का स्वामी बन सकता है। फ्रायड ने इसी बात को कहा घटनाक्रमों के माध्यम से कि आदमी जो है दमित आकांक्षाओं का शिकार हो जाता है, लेकिन स्वप्न हमने स्वप्नों के विज्ञान को जितना हम लोगों ने अध्ययन किया है उतना फ्रायड ने नहीं किया था, इसलिए वो एक जगह आके उलझ के रह गया।
युंग ने थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश की, पर जितना ज़्यादा श्री अरविंद स्वामी विवेकानंद, परम पूज्य गुरुदेव और इन सब ने, और हमारे भारतीय दर्शन ने, भारतीय मनोविज्ञान ने जो लिखा है वो किसी ने नहीं लिखा। पूर्वार्थ मनोविज्ञान की परिभाषा है कि स्वप्न जो है हमें चित्त के संस्कारों को परिभाषित करते हैं, स्वप्न हमारे चित्त के संस्कारों को परिभाषित करते हैं। ध्यान प्रकारांतर से स्वप्नों को, अच्छे स्वप्नों को, सुखद स्वप्नों को बुला करके अच्छे भविष्य की रचना निर्माण करने की प्रोसेस है। सुखद स्वप्नों को, अच्छे स्वप्नों को, शुभ स्वप्नों को बुला करके अपने भविष्य को अच्छा बनाने की प्रोसेस है। पूरा एक स्वप्न का शास्त्री बना दिया हमारे ऋषियों ने भारत में। महावीर की माँ ने संस्कार कितने देखे, न जाने कितने सपने देखे अच्छे अच्छे, एक संस्कारवान आत्मा आने वाली है, बस महावीर के आना, महावीर का आगमन, वो स्वप्न विज्ञान बन गया, जैन धर्म में उसकी स्थापना है। परम पूज्य गुरुदेव की माँ ने स्वप्न देखे, परम पूज्य गुरुदेव के आगमन से पहले न जाने कितने तरह के स्वप्न देखे, वो भी शुभ स्वप्न थे। संस्कार के भी स्वप्न जो है परिमार्जन के स्वप्न होते हैं, और ध्यान सपनों की ओर जाने की सीढ़ी बनता है, दरवाज़ा खोलता है। आज रात को तुम लोग जो ध्यान करोगे सोते समय, वो तुम आमंत्रित करके, सपनों को आमंत्रित करके, श्रेष्ठ सपनों को आमंत्रित करके ध्यान करोगे। लोग दूर देशों की यात्राएं करते हैं, पर जब पूर्वाभास, दूरदृष्टि और ये सब विकसित हो जाती है तो आदमी न जाने कहाँ कहाँ की यात्रा कर सकता है। आप सपनों के माध्यम से बहुत कुछ कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि आध्यात्मिक जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं है। एक वाक्य गुरुदेव का जो है, आध्यात्मिक जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं है और तप साधना का कोई विकल्प नहीं है। ये दो लाइन याद रखना, आध्यात्मिक जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं है और तप साधना का कोई विकल्प नहीं, देर इज़ नो अल्टरनेटिव। तप का कोई विकल्प हो आप बता दीजिए, शॉर्ट में बता दीजिए कि छोटी सी चीज़ से निकल जाए, या ऐसा करें कि तप कोई और कर ले, हमारा नौकर है, हम उसको नौकर को बिठा देंगे, उसे तप करा लेंगे और हमको फल मिल जाए, नहीं ऐसा नहीं। कई बार लोग आते हैं सब, जब किसी से करवा दीजिए, हम 1 करोड़ रुपए दे देंगे आपको, 50 लाख दे देंगे। ये इसी तरह से तो लूट लूट के तो हमारे पंडित लोग इन बेवकूफ़ों की वजह से तो इतने मोटी मोटी तोंद वाले बने हैं। तो ऐसे मूर्खों की वजह से ऐसे धूर्तों की बन जाती है, होता कुछ नहीं, कोई परिवर्तन नहीं आता संसार में। बिना तप के कुछ भी नहीं होगा, बिना तप के न चक्र जगेंगे न कुंडली जगेगी, तप का कोई विकल्प नहीं है। ध्यान में एक विचार शैली है जिसमें आप बीज बोते हैं स्वप्न का, श्रेष्ठ स्वप्न का, तब स्वप्न बदलने आते हैं आपको। स्वप्नों के माध्यम से स्वप्न, देखो मैं बार बार स्वप्न की बात कह रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, स्वप्न आपको बदलने के लिए आते हैं। धीरे धीरे स्वप्नों का स्तर ऊंचा उठने लगता है, और स्वप्न जब आते आते नींद में जब आते हैं, हमको तो याद ही नहीं रहते, सर आप तो इतना ऊंचा स्वप्न बार बार ड्रीम कहे जा रहे हैं, आएंगे अब याद आएंगे। जब ध्यान के माध्यम से स्वप्न बुलाओगे, स्वप्न को आमंत्रित करने की कला सीखोगे, तो लोक लोकांतरों तक पहुंचा देंगे वो। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन आदि पे कई तरह का काम हुआ है। योग कभी भी संयोगों पे विश्वास नहीं करता, योग नेवर बिलीव्स इन कभी कभी या संयोग, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, नहीं होगा तो हमेशा होगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। योग का मतलब ही 1+1=2, योग का मतलब ही 2+2=4, योग का मतलब ही है गणित, पूरा मैथमेटिक्स, कभी अधूरा नहीं। 2+2=2, आइदर 3.9 और 4.1। कुछ लोग दुनिया में तुमने देखे होंगे, दो तरह के होते हैं, एक तो बिल्कुल पक्का बोलते हैं, जो भी बोलते हैं पक्का बोलते हैं, एक बोलते हैं हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हाँ ऐसा भी हो सकता है, अच्छा ये बताइए ऐसा हो सकता था, हाँ ऐसा भी हो सकता था, अरे कहीं एक पे तो टिको, कहीं एक पे टिकने को तैयार नहीं हो। अध्यात्म एक पर टिकने की प्रोसेस है, अध्यात्म एक पर टिकने की प्रोसेस है। योग कहता है कि कभी कभी और संयोग नहीं आएंगे। एक किताब है रूट्स ऑफ कॉन्फिडेंस, अपने यहाँ है लाइब्रेरी में, आर्थर कोसलर की बहुत बढ़िया किताब है। इंसिडेंटल कभी नहीं होता इसमें, उसमें लिखा है कि इनसे एक सब के सब के पीछे पूर्व विधान है। प्रक्रियाओं में, प्रयोगों में, विधियों में विश्वास जो रखता है उसके सपनों का मॉडिफिकेशन होने लगता है। टुडे आई एम टीचिंग यू हाउ टू मॉडिफाई द ड्रीम्स, हाउ टू ट्रांसफॉर्म द ड्रीम्स इनटू क्वालिटी ड्रीम्स। मैं जो आज ध्यान कराऊंगा उसमें तुमको सपनों को मॉड्यूलेट करना आ जाएगा। धारणाएं बदलेंगे तो चित्त बदल जाएगा, धारणाएं आप बदलेंगे तो चित्त बदल जाएगा, निद्रा समाधि की स्थिति बन जाती है, सपनों पर भी स्वामित्व हो जाता है।
फिर स्वप्न को आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, आज हमें प्रखर प्रज्ञा सरल श्रद्धा पर बैठकर जप करने का स्वप्न आना चाहिए, तो आएगा। फिर यू कैन इंस्ट्रक्ट, अचेतन में आप आदेश दे सकते हैं कि आज हमें परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन होना चाहिए, आपको होंगे, दर्शन होंगे, और वो स्वप्न आपका ध्यान बन जाएगा, और उसको बाद उठने के बाद आपको आलस्य नहीं होगा, बहुत ताजगी महसूस होगी। कई बार देखा होगा ढेर सारे स्वप्न आए थे पर याद एक भी नहीं है, पर बदन टूट रहा है, मन में आलस्य, तन से में आलस्य आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने अनगढ़ स्वप्न देखे, और उन अनगढ़ स्वप्नों में बीच बीच में नींद खुलती रही, तो छलांग लगाता इधर 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 हिरण की तरह से कूदता रहा मन, उस मन को संभालना है, उस मन को संभालना है। श्री अरविंद ने पत्रों का भाष्य लिखा है, उसका भाग दो है, उसमें स्वप्नों के माध्यम को उन्होंने प्रतीक माध्यम कहा है, तो कभी किताब पढ़ने का मौका मिले, लेटर्स ऑफ श्री अरविंदो पार्ट टू, उसमें स्वप्नों के माध्यम से प्रतीक की कला सिखाई है। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में चर्चा की है, स्वप्नों के माध्यम से संकेत, गायत्री साधना जब पकने लगती है तो स्वप्नों के माध्यम से संकेत आने लगता है। आप ऐसी स्थिति में भी आ जाते हैं, फिर पकते पकते आप ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि तक दूसरों के स्वप्नों को दिशा दे सकें, दूसरा कोई स्वप्न सुनाता है तो फिर आप उसको ये कह सकते हैं, देखो ऐसा करो, तुमने ये स्वप्न देखा ना, अब इस स्वप्न को ऐसी दिशा दो, आज रात को तुम सो तो 5 मिनट सोने के पहले धारणा करो, और ये धारणा करो कि वही जो स्वप्न देखा था उसी स्वप्न को स्थिति में आ जाओ, सोचो 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 सोचो, सोचते सोचते उसी स्थिति में पहुंच जाओ, सो जाओ, चुपचाप सो जाओ, शांत हो जाओ, वही मैं सिखाऊंगा आज तुमको। इससे समझ में आ जाएगा रूखी सूखी मनोभूमि, बंजर चित्त भूमि में सात्विकता को कैसे बुलाया जाता है, रूखी सूखी बंजर भूमि में और ऐसी मनोभूमि में ध्यान का आनंद कैसे लाया जा सकता है, सात्विकता कैसे। लाइट्स ऑफ कर दीजिए, ध्यान करेंगे अंततः परिलक्षित होगा ही, परिणाम दिखेगा ही, और व्यक्तित्व बदल कर रहेगा ही। सावधान, शांत चित्त, ध्यान मुद्रा, भाव समाधि, तुरंत भाव समाधि में पहुंच जाओ। सावधान, शांत चित्त, कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, आंखें आधी बंद आधी खुली, अपना मन कोशिश करो तुम सोचने की तुम कहाँ हो, तुम शांति कुंज में हो, यहाँ बैठे हो, शांति कुंज, गायत्री तीर्थ, गायत्री कुंज, शांति कुंज का एक हिस्सा, प्रज्ञेश्वर महादेव का कैंपस, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरियाली के बीच में बैठा हुआ बहुत सुंदर स्थान, इसके प्रति सजगता पैदा करो, जिस स्थान पर बैठे हो उसके प्रति। सप्तऋषियों का तपश्चर्या वाला स्थान, विशेष रूप से विश्वामित्र की तपश्चर्या भूमि, गंगा की गोद, हिमालय की छाया, किसी को सौभाग्य नहीं मिलता इतने दिन तक रहने का, तुमको 5 साल तक मिलेगा, साल भर तक मिलेगा, 6 महीने मिलेगा, 1 साल मिलेगा, 2 साल मिलेगा, 3 साल मिलेगा, सजगता पैदा करो अपने अंदर कि तुम कहाँ हो। गुरु सत्ता का दिव्य संरक्षण, दैवी संरक्षण, 3 दिव्य सत्ताओं का संरक्षण, गुरु सत्ता, गायत्री माता, हिमालय पिता, हिमालय, गायत्री और गुरुदेव। धीरे धीरे अपने ध्यान को तृतीय नेत्र पर केंद्रित करो, दोनों भौहों के मध्य, यहाँ पर आ जाओ, दोनों भौहों के मध्य, ब्रो प्लेक्सस,
स्थापित करो श्वास को वहां पर। गहरी सांस लो, जब लेते हैं सांस तो ताजगी से भरी हुई होती है, प्राण से युक्त होती है, जब छोड़ते हैं तो ये हमारे अंदर की सारी ताजगी को, शरीर को पोषित करती हुई बाहर निकल जाती है। ली जाने वाली वायु पॉजिटिव वायु, अंदर से बाहर जाने वाली वायु नेगेटिव वायु, खींचो छोड़ो और यहाँ स्थापित करने की कोशिश करो दोनों आँखों के बीच में। प्राण को भीतर की ओर बहता हुआ महसूस करने लगो, ललाट के मध्य में प्राण को टिकाओ। हो सकता है तुमको नींद से आने लगे, बस अब यही वो क्षण है जब तुमको स्वप्न को आमंत्रित करना है। मेरा बस चलता तो तुमको मैं लिटा के ध्यान कराता ये, पर क्या करूं, समझ स्थान नहीं है इतना, 15-20 लोग हों तो उनको कराया जा सकता है, इतने सारे बच्चों को नहीं कराया जा सकता। कल्पना करो कि तुम धीरे धीरे नींद में उतरो, खराटे मत लेने लगना बीच में, मैं कह रहा हूं इसका मतलब तुम उसको सुनो, सुनने के बाद उसके अभ्यास करो, नहीं तो पता चला थोड़ी देर में शांत मैं हो जाऊं और एकदम खराटों की आवाज आने लगे। तुम धीरे धीरे नींद में जा रहे हो, नींद में उतर रहे हो, तुम्हें चेतना विलीन हो रही है। श्वास के अदृश्य अंश प्राण के प्रति सजग हो जाओ, हृदय तक आता हुआ महसूस करने लगो। तुमने कभी किसी सोए हुए व्यक्ति को देखा है, सोते हुए व्यक्ति को देखा है, उसकी आंख ऊपर चढ़ जाती है, वो कहां देखता है, तृतीय नेत्र की तरफ, यहां पे देखता है। तुम भी तृतीय नेत्र की तरफ देखो, यथार्थ स्वप्न जो अगले दिन तुम्हें याद रहे, तुम्हें देखने की कला सीख जाओगे। स्वप्न में तुम नहीं जान सकते तुम स्वप्न देख रहे हो, तुम जान लो तो इसका मतलब है कि दो तल हो गए, स्वप्न तो चल रहा है पर तुम जागे हुए हो। जो व्यक्ति सपने में भी जाग जाता है उसके लिए ये सूत्र अद्भुत है। स्वप्न देखना और स्वप्न को चलते हुए देखना, एक रील चल रही है मेरे सामने, उसमें मैं भी देख रहा हूँ, मैं अपने आप को देख रहा हूँ, तब स्वप्न पर और स्वयं पर, मृत्यु पर, हर चीज पर हमारा अधिकार हो जाएगा। स्वप्नों के प्रति सजग हो जाओ, यदि तुम स्वप्नों के प्रति सजग हो सकोगे तो अच्छी अच्छी धारणाएं, अच्छी अच्छी कल्पनाएं, क्या क्या मैं देने की कोशिश करता हूँ। एक धारणा प्रखर प्रज्ञा सहज श्रद्धा में बैठने की, एक धारणा माँ सरस्वती के चरणों में, माँ गायत्री के चरणों में, माँ लक्ष्मी के चरणों में बैठने की, एक धारणा भगवान शिव के सामने बैठे होने की। अभी न्यू जर्सी में मैंने महाकाल की प्राण प्रतिष्ठा करवाई, इतना बड़ा अपना महाकाल है, उतना बड़ा तो नहीं था उनका, थोड़ा छोटा था इससे, पर वो 4 घंटे लोग वहाँ के बैठ नहीं सकते, और मैंने ध्यान कराते कराते उनको बिठा लिया 4 घंटे, सारी क्रियाएं मैंने की, उन्होंने कुछ नहीं की, पूरी प्राण प्रतिष्ठा का क्रम मैंने किया, पर वो ऐसे खो गए मंत्रोच्चार में, ध्वनि नाद योग में, नाद की प्रक्रिया में, नादानुसंधान में, भगवान महादेव के चिंतन में, ये ध्यान की प्रक्रिया में चले गए, और जो अनुभूतियां हुई उनकी बड़ी विलक्षण हुई। भगवान महादेव हिमालय में बैठे हो कल्पना करो, अमराई में बैठे हो कल्पना करो, झरने के पास बैठे हो कल्पना करो, नदी के पास बैठे हो कल्पना करो, नदी बह रही है जोरों से, बड़ी सुंदर आवाज आ रही है, बहती हुई नदी की बहुत सुंदर आवाज आ रही है, कल 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 कल। प्रकृति का अपना एक संगीत है, उसको सुनने की कोशिश करो।
तुम धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ रहे हो। यदि तुम स्वप्नों के प्रति सजग हो जाओ तो अपने स्वप्न विनिर्मित कर सकते हो। साधारणतया हम स्वप्न विनिर्मित नहीं कर सकते, मनुष्य कितना नपुंसक है। अपने स्वप्न हम स्वयं नहीं बना सकते, केवल हम मनस्थिति परिस्थिति पर निर्भर रहते हैं। परंतु यदि तुम ध्यान करना सीख लो तो तुम अपने स्वप्न बना सकते हो और तुम जो चाहोगे वो स्वप्न तुम ला सकते हो और कह सकते हो आज मुझे यह स्वप्न देखना है, वो स्वप्न तुमको दिखेगा। और ये कह सकते हो ये मुझे स्वप्न नहीं देखना, इससे मुझे डर लगता है, या ये स्वप्न मुझे मेरे मन में प्रवेश नहीं कर सकता, मैं इस स्वप्न को नहीं लाना चाहता। मत सोचिए उसके बारे में, मत सोचिए, धारणा उसके विपरीत लाइए। अपने आप धीरे धीरे स्वप्न आने की प्रक्रिया सीख जाएंगे। स्वप्न की प्रक्रिया बड़ी विलक्षण प्रक्रिया है। ड्रीम साइंस ऑफ ड्रीम्स, मैंने अपनी जो MD की डिग्री ली थी उस MD की डिग्री में बहुत बड़ा रिसर्च पेपर मैंने जो पब्लिश किया था वो ड्रीम्स के ऊपर पेश किया था। ये ड्रीम्स अगर लेना आ जाएगा तो हमें सही अर्थों में ध्यान आ जाएगा। आइए ध्यान के समापन पर मेरे साथ साथ बोली, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय, ओम ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय, ओम ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय, ओम ओम अस्तो मा सद्गमय सद्गमय, ओम ओम अस्तो मा सद्गमय सद्गमय, ओम ओम अस्तो मा सद्गमय सद्गमय, ओम ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय अमृतम गमय, ओम ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय अमृतम गमय, ओम ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय अमृतम गमय, ओम ओम शांति 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 शांति। दोनों हाथों को रगड़े, चेहरे पे लगा लीजिए लाइट्स। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे गुरु सत्ता को, उनकी कृपा से ये ध्यान संभव हो पाया। ओम नमो सुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुवाहने सहस्रनाम्ने पुरुषाय सरस्वते सहस्रकोटि युगधारिणी नमः सहस्रकोटि युगधारिणी नमः। शांति पाठ से पहले अगले सप्ताह 12 तारीख को गुरुवार, उस दिन हम अपनी क्लास गीता की लेंगे। और अभी नवरात्रि आने के पहले तीन क्लासेस और होंगी आपकी। इस बीच में एक बार बीच में रशिया जाऊंगा, बाहर जाऊंगा, तो उस क्लास को थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करूँगा। आज सहभोज है, आपके शिक्षक, आपके साथी, सहयोगी, सहभोज, सब लोग एक साथ मिलकर भोजन करेंगे। प्रेम से भोजन करना, एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हुए भोजन करना, सब भोजन के संस्कारों को अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करना। शांति पाठ, ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। धीमहि धियो